यस बच्चों, गुड इवनिंग। चलो आवाज आ रही सबको? जितने बच्चे ऑनलाइन, एक बार चेक करो आवाज आ रही है क्या बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चा लोग, गुड इवनिंग। एक बार चेक कीजिए आवाज आ रही है क्या। आपको तो आ रही है। चलो बेटा, सीएम इंटर के कैप्सूल बैच में आप सबका स्वागत है। कैसे हो, मजे में? एकदम बढ़िया। चेक कीजिए आवाज आ रही है क्या। जितने बच्चे ऑनलाइन है और फटाफट नाला के लाइक भी ठोक दो जितने बच्चे ऑनलाइन है। क्या बात है, वीरभद्र आ गया, कोमल भी आ गया ऑनलाइन। चलो बहुत बढ़िया। अरे आवाज शानदार। चलो बच्चा लो, वन सेकेंड, गुड इवनिंग। तो बच्चा देखो, सीएम इंटर कैप्सूल बेटा बैच से अपना स्टार्ट हो रहा है, ग्रुप टू का बैच स्टार्ट हो रहा है, राइट ना। अब देखो, ग्रुप टू का जो बैच अपने स्टार्ट किया बेटा, इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट है कॉस्टिंग, सेकंड पार्ट है एफएम। इसमें देखो, इनिशियली पहले 5 डेज में मैं पढ़ाने वाला बच्चों एफएम वाला पार्ट। देखो बेटा, अपना कैप्सूल बैच, बेटा अपना कैप्सूल बैच भले बता के आपने ऑफिशियल बेटा बताया होगा, इट विल बी फॉर 7 to 8 डेज के रहेगा। बट अगर मैं बेटा कॉस्टिंग बेटा एफएम की बात करूंगा, थोड़ा सा ये चीज़ें बेटा प्रोलॉन्ग हो सकती है बेटा जी। ये अपना मैं ऑलमोस्ट समझो कि मैं आपके लिए और आपके लिए 10 से, मतलब टोटल सब मिला के 10 से 11 दिन लूंगा। चलेगा क्या? तैयार हो पढ़ाई करने के लिए? कम पढ़ाओ, ज़्यादा पढ़ाओ? ज़्यादा, पक्का पढ़ोगे? तो चलो, तो बेटा आज से अपन शुरू कर रहे हैं। ओके, आज फर्स्ट डे, तो लेक्चर मैं आपका खत्म करूंगा 9 o'clock से खत्म करूंगा। हो सकता है कि कल से बेटा कभी टॉपिक थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो लेक्चर अपना 9:30 तक भी जा सकता है। कोई दिक्कत की बात, कोई चिंता की बात? भूख लगी कल स्टॉक ला के रखने का, मैं चिप्स बीस वगैरह ला के रखने का, चकना तैयार ठेवा। ओ स्टॉक भरपूर असेल, घर ना फक्त इथं आणायचे, कशा भरून आणायचे? हां ओके, हां हां। यस, अब देखो सर, इस बैच में मैं क्या पढ़ाने वाला, सुनो बच्चों। बच्चों अपना बेटा इस बैच में ना, इनिशियल बच्चों देखो, अपना जो फर्स्ट जो फेज रहेगा बेटा, फर्स्ट जो फेज रहेगा, इसमें बच्चों मैं क्या करूंगा, जो पहले अपने 11 से बेटा 12 सेशन होंगे, इसमें मैं हर टॉपिक के मॉड्यूल के सिलेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। तो बच्चों पहले बता रहे बच्चों, इस बेटा सीरीज में मैं सिर्फ और बेटा सिर्फ बेटा जी मॉड्यूल के समय कराऊंगा। तो आप मॉड्यूल में से जो भी समझ सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो कराऊंगा। इसमें चीजें बड़ा क्लियर बोर्ड रहेगी। मान लो बच्चों, और कोई भी क्वेश्चन आपको, मान लो कभी आपके पास पीडीएफ फाइल नहीं भी होगा, कोई चिंता की बात नहीं, बस मॉड्यूल लेके बैठ जाइए, आपको क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आपको। तो बाद में क्वेश्चन ढूंढने के अलावा किसी भी फाइल की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ओके, अब बच्चों देखो, मॉड्यूल में से पढ़ना क्यों जरूरी है? देखो यार, इसमें से आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो बच्चे रेगुलर क्लास में होंगे, कोई बच्चा बेटा जी फेस टू फेस में होगा, कोई ऑनलाइन क्लास में होगा, कोई जीडीपीडी में होगा। रेगुलर क्लास के नोट्स में से क्वेश्चन आप कर चुके, वो आपको बेटा कंफर्टेबल आपको पता है। बट सर अभी समय आ चुका है कहीं उससे कहीं थोड़ा सा अपने को ज्यादा पढ़ना है, अपने को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो सर मॉड्यूल में से करा के दूंगा, ये अपना फर्स्ट फेज रहेगा। उसके बच्चों बाद में जुलाई के फर्स्ट वीक में मैं आपका लूंगा मैराथन। उस बच्चों मैराथन में, अभी रिवीजन सीरीज में हम पूरा सिलेबस बच्चों अच्छे से खत्म करेंगे, मैराथन में मैं आपके लिए कवर करूंगा पास एग्जाम क्वेश्चन। तो मैराथन में जो क्वेश्चन करेगा, अल्टीमेटली समझना, पढ़ना है चैप्टर ही पढ़ना है। मान लो मैं अगर मैं पढ़ा रहा चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ाना है, बट क्वेश्चन कौन से लूंगा बेटा जी? तो समझो, ये बड़ा सीरीज अगर करोगे तो आपको अलग से मॉड्यूल फिर से पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको बच्चों अलग से अगेन पास एग्जाम क्वेश्चन देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आपका जो रेगुलर पढ़ाई चल रहा है, उस पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। ओके, मैं आपको मोस्टली बच्चों हर रोज, आज तो बड़ा फर्स्ट देता, आज शाम को जाते वक्त मैं कल कौन सा पढ़ाऊंगा मैं आपको बता जाऊंगा। ओके, तो कल टॉपिक कौन सा होगा मैं एक दिन पहले बताऊंगा। तो यू हैव टू मेक इट श्योर दैट आप जब भी कल पढ़ाई के लिए बैठोगे, मान लो सुबह का टाइम मिलेगा या दोपहर का टाइम मिलेगा, उस टाइम पे वो टॉपिक आपके जो भी रेगुलर बुक है, रेगुलर बच्चों नोट्स में करके रखे, एक बार आप पढ़ाई करोगे और शाम में जब मैं जब रिविजन करूंगा, इस वे जब पढ़ाई करेंगे ना, तो टॉपिक अपना परफेक्ट होगा। तो टारगेट रख के चलना है कि अगले 10 से लेकर 11 दिन में अपना कॉस्टिंग एफएम परफेक्ट होना चाहिए, मतलब एक बार अपनी पढ़ाई कंप्लीट होनी चाहिए, फिर उसका सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, ये आप करते ही जाओगे। समझा बेटा जी? इसको फॉलो करेंगे चलेगा, बस
ग्यारह दिन सिंसियर बच्चों मेहनत करने, बड़ा मैं बड़ा मेहनत करूंगा, बड़ा आप भी मेहनत करना, अच्छे से हो जाएगा अपना। ओके चले तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो सर देखिए अभी अपना चैप्टर का नाम क्या, अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आज का फर्स्ट चैप्टर है। क्या लगता है ये चैप्टर आता है नहीं आता, क्या सीन है? आता है, पूरा आता है, तो पढ़ाए कि नहीं पढ़ाऊ? नहीं मतलब मैं पढ़ाऊ कि नहीं पढ़ाऊ? मैं पढ़ाऊ ना, चलेगा ना? ओके तो सर देखिए बेसिक से अपन शुरू कर लेते हैं। मैं से बिलू करते आप में से बहुत बच्चों चैप्टर आता नहीं ऐसे करके। चैप्टर का नाम क्या है सर? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये एफएम का क्रक्स चैप्टर है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो भी हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, केडी, जेई, केपी, वैक, ये सारे बड़ा कंसेप्ट आगे हमें काम आएंगे इन द चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर। और साथ में बेटा इसका कुछ बड़ा पार्ट काम में चैप्टर डिविडेंड पॉलिसी। तो जानबूझो इस चैप्टर से मैंने शुरुआत की है जो आगे हमें काम में आएगा। अब एकदम आराम से ध्यान देंगे सब लोग। बोलो बच्चों चैप्टर का नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाम में लिखा है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है? बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया, सब बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसे बोलते हैं कैपिटल। ऐसा कहा जाता है बिजनेस में पैसा दो लोग इन्वेस्ट करते हैं, एक होता है ओनर और दूसरा बच्चा होता है आउटसाइडर। बताइए पैसा इन्वेस्ट कितने लोग करते हैं? दो। सो कौन से करते हैं? ओनर। और कौन करते हैं बच्चों? आउटसाइडर। और एक बच्ची वर्षिनी पूछे सर ये किसके लिए? ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस बेटा दोनों के लिए बेटा जी। तो दिस इज फॉर बोथ ओल्ड एंड न्यू सिलेबस बेटा, दोनों के लिए अप्लीकेबल है। ओके अब देखिए मैं बता रहा था जो पैसा इन्वेस्ट का बिजनेस वो कौन है? कैपिटल। इन्वेस्ट कितने लोग करते? दो। कौन करते? ओनर और आउटसाइडर। बच्चा लोग जब मैं बात करता हूं ओनर्स की तो ओनर्स में तीन चीजें आती है। एक आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और तीसरा आता है रिजर्व एंड सरप्लस। सर दोबारा बता रहा हूं ओनर में कितनी बातें आएंगी? तीन। सर पहला क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा क्या आएगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और तीसरा आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। सर नेक्स्ट आएंगे सर जी आउटसाइडर। सर आउटसाइडर में आएंगे डिबेंचर, डिबेंचर और सो कौन आएगा? बैंक लोन। ठीक है दोबारा बताइए ओनर में कौन कौन आएगा? इक्विटी शेयर, प्रिफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस। सर जब भी कोई कंपनी इक्विटी शेयर इश्यू करती तो क्या कंपनी को इन्वेस्टर को कुछ पैसा वापस करना पड़ेगा? यस। जब भी कोई बंदा इक्विटी शेयर कंपनी के लेता है या फिर मान लो जब भी कोई कंपनी इक्विटी शेयर के थ्रू पैसा रेज करते तो एक कंपनी की जिम्मेदारी बनती है उसे कुछ देना चाहिए। तो इक्विटी शेयर को आपको देना पड़ेगा डिविडेंड। तो इक्विटी को जो डिविडेंड दोगे उसके लिए तो वो इनकम है, उसके लिए तो क्या है? रिटर्न है। मैं दोबारा बता रहा हूं इक्विटी को जो डिविडेंड दोगे उसके लिए इनकम है, उसके लिए क्या है? रिटर्न है। बट वो कंपनी के लिए क्या है? कॉस्ट है। से कंपनी के लिए क्या है? कॉस्ट है। बात समझा बेटा? इक्विटी को जो डिविडेंड दोगे वो इक्विटी के लिए क्या है? इनकम है, उसके रिटर्न है, बट कंपनी के लिए क्या है? कॉस्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बोलो क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सब प्रिफरेंस शेयर को, सब प्रिफरेंस शेयर को जो हम पैसा देंगे, सब प्रिफरेंस शेयर को जो पैसा देंगे, प्रिफरेंस को क्या देंगे बच्चों? डिविडेंड। वो उनके लिए तो क्या है? इनकम है, बट कंपनी के लिए क्या है? कॉस्ट है, उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर। उसी तरह से रिटेन अर्निंग के लिए या रिजर्व एंड सरप्लस के लिए जो खर्चा आता है उसे बोलते हैं केआर। ओके डिबेंचर के लिए क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट। और बैंक लोन के लिए क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। डिबेंचर हो या बैंक लोन दोनों भी उधारी, मतलब कौन है? डेप्ट है, इसके लिए क्या था? कॉस्ट ऑफ डेप्ट। बात समझा क्या? तो सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला बच्चों रिवाइज करते हैं। और मैं ऐसा बिलीव कर रहा हूं कि आपने इसे सब लोगों ने चैप्टर पहले एक बार तो पढ़ा होगा बेटा जी, जिसने नहीं पढ़ा होगा प्लीज बहुत ध्यान से फोकस करना पड़ेगा। अब देखिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, सबसे पहले बताने जा रहा हूं हाउ टू फाइंड कॉस्ट ऑफ डेप्ट। कॉस्ट ऑफ डेप्ट, डेप्ट मतलब उधारी। सर डेप दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिडीमेबल, दूसरा होता है इररिडीमेबल। ऐसे डिबेंचर जिनका पैसा बाद में वापिस करना पड़ता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? रिडीमेबल डिबेंचर। और ऐसे डिबेंचर जिनका पैसा बाद में वापिस नहीं किया तो भी चलेगा इनको हम बोलते
इररिडीमेबल डिबेंचर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इन केस ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ डेट। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ डेट? नहीं समझा मुझे क्या निकालना कॉस्ट ऑफ डेट। सर कॉस्ट ऑफ डेट के लिए मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ डेट मुझे क्या चाहिए? डिबेंचर इश्यू करके कितना पैसा मेरे हाथ में आ रहा है, डिबेंचर इश्यू करके कितना पैसा मेरे हाथ में आ रहा है और उसके पीछे कितना खर्चा हो रहा है। डिबेंचर देखो दोबारा बता रहा हूं, कॉस्ट ऑफ डेट के लिए क्या चाहिए? कोई पूछेगा आपके डेट का कॉस्ट कितना है, मैं कंपनी हूं, मैंने क्या इश्यू किया? डिबेंचर। मुझे क्या देखना है? डिबेंचर के पीछे कितना खर्चा आएगा। उसके लिए पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा कि भाई मैंने डिबेंचर तो इश्यू किए, डिबेंचर इश्यू करके कितना मेरे को मिला और उसके पीछे कितना खर्चा हो रहा है। सर डिबेंचर इश्यू करके जो पैसा हमको मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट प्रोसीड। दोबारा बता रहा हूं, डिबेंचर इश्यू करके जो पैसा मिलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट प्रोसीड। पक्का? ओके। उसके पीछे हमें कौन सा खर्चा बचा आएगा? इंटरेस्ट का खर्चा आएगा। पक्का? सर इंटरेस्ट का खर्चा तो आएगा बट इंटरेस्ट को पे करने से कंपनी का टैक्स क्या होता है? सेव। टैक्स क्या होता है? सेव। इसे कंपनी के इफेक्टिव खर्चे कम हो जाते हैं। जी पा क्या बच्चों, ये कॉस्ट ऑफ डेट का पहला फॉर्मूला है। ये अप्लाई किसके लिए बच्चों होगा? इररिडीमेबल डेट के लिए। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, फिर से बता देख के बताइए कॉस्ट ऑफ डेट केडी का फॉर्मूला क्या? आई इंटू वन माइनस टी अपॉन एनपी इंटू 100। एनपी मतलब नेट प्रोसीड। डिबेंचर इश्यू करके जो हाथ में आ रहा है वो क्या है? नेट प्रोसीड। मान लीजिए 100 रुपए का डिबेंचर है, इश्यू किया है एट अ प्रीमियम ऑफ 8%। 100 रुपए का डिबेंचर है, इश्यू किया है एट अ प्रीमियम ऑफ 8%। इश्यू करके कितना पैसा हाथ में आ रहा है? 108। ये मेरा कौन है? नेट प्रोसीड। समझा क्या बच्चों? चले उसके पीछे कौन सा खर्चा आ रहा है? इंटरेस्ट। आई फॉर इंटरेस्ट एंड टी फॉर टैक्स। अब सर समझिए ये फॉर्मूला अप्लाई कब होता है? इन द केस ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर। सर अगर डिबेंचर रिडीमेबल है मतलब कुछ सालों के बाद पैसा अगर वापिस करना है तो फॉर्मूला क्या होगा? उसके लिए पहले कुछ टर्म पहले समझ के लेते बच्चों। आज जीरो ईयर है, आज डिबेंचर इश्यू करके, आज डिबेंचर इश्यू करके जो पैसा हाथ में आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट प्रोसीड। आज जीरो ईयर है, डिबेंचर इश्यू करके जो पैसा आज हाथ में आ रहा है वो कौन है? नेट प्रोसीड। कुछ सालों के बाद में उसका पैसा वापस करना पड़ेगा। जितने सालों के बाद हम पैसा वापस करेंगे वो है नंबर ऑफ ईयर एन। मैं दोबारा बता रहा हूं, जितने सालों के बाद में पैसा वापस करना पड़ेगा वो कौन है? नंबर ऑफ ईयर एन। ओके। और बच्चों उसके पीछे जो हमें बाद में जो पैसा वापस करना पड़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं रिवैल्यू आरवी। समझा क्या बच्चों? दोबारा बता रहा हूं, डिबेंचर इश्यू करके जो पैसा हाथ में आ रहा है वो कौन है? नेट प्रोसीड। बाद में जो पैसा देना पड़ेगा वो कौन है? रिडीमेबल वैल्यू। मतलब क्या है? आरवी। तो अगर मुझे निकालना है कॉस्ट ऑफ डेट केडी, अब समझो फॉर्मूला क्या। केडी के लिए क्या देखना पड़ेगा? डिबेंचर इश्यू करके कितना पैसा हाथ में आ रहा है। सर शुरुआत में क्या मिला था? नेट प्रोसीड। बाद में क्या देना पड़ेगा? आरवी। तो मुझे क्या देखना है? ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज कितना पैसा मुझे मिलेगा? शुरुआत में क्या मिलेगा? एनपी। बाद में क्या देना पड़ेगा? आरवी। ऑन एन एवरेज कितना पैसा मिलेगा? अब उसके पीछे कौन सा खर्चा आएगा बच्चों? उसके पीछे हमें इंटरेस्ट का तो खर्चा आएगा, हम इंटरेस्ट का तो खर्चा आएगा वो भी टैक्स काटने के बाद, और साथ में भाई साहब हमें नेट प्रोसीड के कंपेयर में रिडम्पशन में कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वो भी कब देना पड़ेगा? एन ईयर में। माने इश्यू करके हाथ में आ रहा 110 नेट प्रोसीड, रिडम्पशन कर रहे 140, एक्स्ट्रा दे रहे क्या हम लोग? वो हमारा क्या है? खर्चा है। तो सर जो इंटरेस्ट दे रहे वो भी हमारा खर्चा है, जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे वो भी हमारा क्या है? खर्चा। एनपी के कंपेयर में आरवी में जो एक्स्ट्रा दे वो भी क्या है? खर्चा। तो दोनों मिलाकर हमें टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। यही तो हमारा कौन है? कॉस्ट ऑफ डेट। मतलब कौन है? केडी। सबको समझा क्या बच्चों? चलो सब बच्चे बताएंगे, बोलो सर कॉस्ट ऑफ डेट में कितने फॉर्मूला?
दो, पहला इन केस ऑफ रिडीमेबल, दूसरा बोलो इन केस ऑफ रिडीमेबल क्या फॉर्मूला, बड़ा वाला फॉर्मूला, आई इंटू वन माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन अपॉन एन पी प्लस आर वी अपॉन टू इंटू क्या होगा 100, पक्का? फिर मुझे बताओ अगर डिबेंचर बच्चों इरिडीमेबल है, बोलो क्या फॉर्मूला है, आई इंटू वन माइनस टी अपॉन एन पी इंटू 100, सभी से कंफर्टेबल है? चलो सर ये अगर आपको समझा होगा, अब इसी के कनेक्टिंग में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंशियल। अगर आपको डिबेंचर के फॉर्मूला समझोगे तो प्रिफरेंशियल बेटा बहुत ही चिल्लर है, सेम एज डिबेंचर। प्रिफरेंशियल भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिडीमेबल प्रिफरेंशियल और दूसरा सर कौन होता है, इररिडीमेबल प्रिफरेंशियल, ठीक है। अब देखो जैसा बच्चों फॉर्मूला डिबेंचर का है सेम बेटा किसका फॉर्मूला है, प्रिफरेंशियल का है, बस फर्क यह है डिबेंचर में हम क्या लेते हैं इंटरेस्ट, प्रिफरेंशियल में क्या होता है डिविडेंड। सर डिबेंचर में क्या देंगे इंटरेस्ट, डिविडेंड प्रिफरेंशियल में क्या देंगे डिविडेंड। दूसरा फर्क, डिबेंचर के इंटरेस्ट से टैक्स सेव होता है तो टैक्स के फिर देना पड़ेगा, बट प्रिफरेंशियल के डिविडेंड से अपना टैक्स सेव नहीं होता है और टैक्स का पार्ट नहीं आएगा। अब देखो फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंशियल केपी, प्रिफरेंशियल इश्यू करके जो मिलेगा वो क्या है नेट प्रोसीड, इश्यू करके जो मिलेगा क्या है नेट प्रोसीड, और उसके पीछे कौन सा खर्चा आ रहा है डिविडेंड, वहां पे क्या था इंटरेस्ट, यहां पे क्या आ रहा है डिविडेंड, खत्म, कोई मुश्किल है क्या। दूसरा इन केस ऑफ रिडीमेबल, शुरुआत में क्या मिलेगा एनपी, बाद में क्या देंगे आरवी, तो ऑन एन एवरेज कितना पैसा मिल रहा है, ऑन एन एवरेज कितना पैसा मिल रहा है और उसके पीछे कितना खर्चा हो रहा है। कहने से दो खर्चे हो रहे हैं, कौन सा, एक तो डिविडेंड तो पे कर रहे हैं क्या और साथ में एनपी के कंपेयर में आरवी में कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं क्या, वो भी हमारा खर्चा है, वो भी हमारा क्या है खर्चा, इनटू क्या करेंगे 100, कोई दिक्कत, स्पीड ठीक है बेटा जी। अब ईमानदारी से बोले जितने बच्चे ऑनलाइन है सबको समझ में आ रहा है क्या, ओके सर जो बच्चे फेस टू फेस सबको समझा बेटा जी, पक्का, बाकी बच्चे जो ऑनलाइन सबको समझा क्या बोलिए, बोल हाँ या ना, क्लियर बेटा सबको। चलो तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर हो गया, अब हम देखेंगे फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब ये थोड़ा सा अलग पार्ट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी में अलग अलग मॉडल है, अगर आपको निकालना कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेटा इसमें अलग अलग मॉडल है। सर सबसे पहले आता है कॉस्ट इक्विटी मॉडल, दैट इज सीएपीएम मॉडल। सर दूसरा आता है कॉन्स्टेंट डिविडेंट मॉडल, दूसरा आता है कॉन्स्टेंट डिविडेंट मॉडल। सर तीसरा आता है डिविडेंट ग्रोथ मॉडल, नेक्स्ट बच्चों आता है दैट इज अर्निंग मॉडल। सर पहले चार मॉडल अपन डिस्कस कर लेते कॉस्ट ऑफ इक्विटी में। सबसे पहले आता है सीएपी मॉडल, आपको पता है क्या सीएपी मॉडल का लॉन्ग फॉर्म क्या है, भूल गए, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। क्या बच्चों लॉन्ग फॉर्म है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ये सीएपी मुझे लॉन्ग फॉर्म है, बोलो सर सेम लॉन्ग फॉर्म क्या है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। अगर सीएपीएम मॉडल से अगर आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी की, सर क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी की, सर मुझे के ही निकालना है, सर के ही को निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। बोलो सर के ही का फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, पक्का बताओ सर। अगर मुझे निकालना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई को निकालने के लिए तीन बातें चाहिए, आर एफ आर एम और बीटा। बोलो सर के ई को निकालने के लिए कितनी बातें चाहिए, तीन, कौन कौन सी, आर एफ आर एम और बीटा। आर एफ का मतलब होता है रिस्क फ्री रेट, आर एफ का मतलब क्या है
अगर आपने किसी भी रिस्क फ्री सिक्योरिटी में जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, उसमें पैसा इन्वेस्ट किया, जो रिटर्न मिलेगा वो कौन है? रिस्क फ्री रेट। आरएम का मतलब क्या है? नालायक को कुछ पढ़ा नहीं क्या? मार्केट रेट ना, या मार्केट का रिटर्न, समझा क्या? और बीटा क्या होता है? बीटा तो बीटा होता है, नोट्स में देख के नहीं बताना, अरे बिना देख के बताना है। बीटा क्या होता है? बीटा मतलब उससे रिस्क निकालने से रिस्क फैक्टर, बीटा बीटा होता है। चलो बोलो, सीएपे मॉडल में बोलो केई का फॉर्मूला क्या है? क्या होता है? आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ। ओके, नेक्स्ट आता है डिविडेंड मॉडल। बहुत सिंपल है ये मॉडल, क्या बोलता है? इक्विटी शेयर इश्यू करके कितना पैसा हाथ में आ रहा है और उसके पीछे डिविडेंड का कितना खर्चा हो रहा है। इक्विटी शेयर, मुझे बताओ शेयर इश्यू कब करेंगे? आज। शेयर इश्यू कब करेंगे? आज। आज शेयर इश्यू करके, आज शेयर इश्यू करके जो पैसा हाथ में आ रहा है उसे क्या बोलते हैं? ये तो नेट प्रोसीड बोलो, या शेयर का प्राइस। आज मतलब जीरो ईयर में, आज मतलब जीरो ईयर में शेयर इश्यू करके जो पैसा हाथ में आ रहा है, आज मतलब जीरो ईयर में शेयर इश्यू करके जो पैसा हाथ में आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पी जीरो। पी जीरो मतलब क्या है? नेट प्रोसीड जो हाथ में आ रहा है, और उसके पीछे हमें कौन सा खर्च आ रहा है? कौन सा आ रहा है? डिविडेंड का। समझा क्या बच्चों? डी वन, उसको डी वन बोलो या फिर डी बोलो, यहां पे इनटू क्या होगा? 100। शेयर इश्यू करके क्या मिल रहा है अपने को? प्राइस। और इसके पीछे सर कौन सा खर्चा आ रहा है सर जी? डिविडेंड। बोलो बच्चों कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बोलो केई का फॉर्मूला क्या? डी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100। पक्का? यही अगर आपको निकालना है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। डिविडेंड सब, पहला जो मॉडल था वो बिलीव कर रहा था कि कंपनी हर साल सेम डिविडेंड देगी। पहले साल भी क्या देगी? डी वन, सेकेंड ईयर भी डी वन, थर्ड ईयर भी डी वन, फोर्थ ईयर भी डी वन। अगर कंपनी हर साल सेम डिविडेंड दे रही है तो वो कौन है? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। बट क्या प्रैक्टिकली, सॉरी क्या होता है? कॉन्स्टेंट डिविडेंड मॉडल। बट क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है क्या कि कंपनी हर साल सेम डिविडेंड देगी? नहीं सर। बट ऑब्वियसली कोई भी कंपनी बिजनेस क्यों करती है? ग्रोथ के लिए। सर कंपनी बिजनेस क्यों करेगी? ग्रोथ के लिए। हर साल कंपनी के बिजनेस का क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। हर साल सर बिजनेस का क्या हो रहा है सर जी? ग्रोथ हो रहा है। नहीं समझा? हर साल सर जी ग्रोथ हो रहा है। जब कंपनी ग्रो करेगी उनका प्रॉफिट भी क्या होगा? बढ़ेगा। और हर साल जितना ज्यादा प्रॉफिट आप कमाओगे उतना डिविडेंड भी क्या होगा? ज्यादा दोगे ना। तो यहां पे कंपनी ग्रोथ पे बिलीव करे और डिविडेंड क्या दोगे? ज्यादा। तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी क्या होगा? बढ़ेगा। कॉस्ट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो। तो जितना कॉस्ट पहले था ना उसके कंपेयर में जितना तुम क्या करोगे? ग्रो, उतने से आपका कॉस्ट बढ़ेगा। हमने इसमें क्या ऐड किया? जी। जी मतलब क्या होता है? ग्रोथ रेट। सर जी मतलब क्या होता है? ग्रोथ रेट। मेरा पहला सवाल है पी जीरो का मतलब क्या है? शेयर का प्राइस। इसको पी जीरो क्यों बोलते हैं? शेयर इशू कब किया? आज। आज शेयर इशू जो मिला वो क्या होता है? पी जीरो। यार एक डिविडेंड को डी वन क्यों बोलते हैं? डिविडेंड कब मिलेगा? आज या एक साल बाद? आज मिले, एक साल बाद मिलेगा। कैन आई से हमारा एक्सपेक्टेड डिविडेंड है? कैन आई से हमारा फ्यूचर डिविडेंड है? कभी कभी क्या करेंगे, आपको फंसाने के लिए आपको देंगे डी जीरो। डी जीरो मतलब पास्ट ईयर का डिविडेंड। अगर आपको निकालना है एक साल बाद का डिविडेंड, आपको दिया है क्या है? डी जीरो। निकालना है क्या है? डी वन। क्या लगता है डी जीरो के कंपेयर? हाँ, डी जीरो कंपेयर डी वन में उतना ही दोगे ज्यादा दोगे? ज्यादा क्यों? ग्रोथ होगा। तो डी जीरो में आप क्या ऐड करोगे? ग्रोथ रेट। तो क्या मिलेगा? डी वन। अरे समझा क्या बच्चों? डी जीरो में क्या ऐड करोगे? ग्रोथ रेट। तो क्या मिलेगा? डी वन। कोई तकलीफ यार? चलो नेक्स्ट सर जी कौन आ रहा हमारा? अर्निंग मॉडल। अब बात समझना, नहीं नहीं वो अलग कंसेप्ट है। ओके, ये अर्निंग मॉडल है बच्चों। देखो अभी पिछला जो मॉडल था उसमें क्या देख रहे थे? शेयर इश्यू करके कंपनी को क्या मिल रहा था? प्राइस। अरे नोट्स बंद कर दो रे, उसमें नहीं ध्यान दो तुम इस पे। नोट्स बनना तो घर में पढ़ सकते थे ना, यहाँ पे ध्यान दो। तुम्हें आधा था नोट्स पे चे क्या मिलेगा सर? सही पढ़ा रहे गलत पढ़ा चेक कर रहे हो क्या?
गलत पढ़ा है मैंने, क्या कर लोगे? हाँ कुछ नहीं कर सकता, चुपचाप पढ़ने का इसलिए, ठीक है। हाँ चलो अब देखो अर्निंग मॉडल, इसमें क्या देखना बच्चों, शेयर इश्यू कर, मैं कंपनी हूँ, मुझे निकाला कॉस्ट बेनिफिट, उसके क्या चाहिए, शेयर इश्यू करके कितना पैसा मिला और उसके पीछे कितना खर्चा हुआ, शेयर इश्यू करके जो मिलेगा वो शेयर का प्राइस क्या होता है, पी जीरो, शेयर प्राइस क्या होता है, पी जीरो, उसके पीछे हमें क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड। अब देखो कुछ शेयर होल्डर को इंटरेस्ट होता है कितना डिविडेंड मिलेगा, और जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है जिनके पास मेजॉरिटी स्टेक है वो बोलते हैं भाई कितना डिविडेंड मिलेगा, ये छाछू ढामन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप बताओ आज शेयर होल्डर हमें कितना अर्निंग पर शेयर मिलेगा। तो जहां पे शेयर होल्डर को कितना अर्निंग मिलेगा उससे वैल्यू निकालेंगे, वो कौन है, अर्निंग मॉडल। तो अर्निंग मॉडल इज सेम एज योर डिविडेंड मॉडल, बस वहां पे क्या था, डिविडेंड डीवन था, यहां पे अर्निंग क्या होता है, इवन, बाकी पार्ट क्या होता है, सेम। नहीं समझा कलता है का, यहां पे ई का मतलब क्या है, अर्निंग मतलब अर्निंग पर शेयर, आपको पता होगा ना ईबीआईटी से क्या लेस करते, इंटरेस्ट, क्या मिलता है, ईबीटी, क्या लेस पे करेंगे, टैक्स, गवर्नमेंट, क्या मिलेगा, पैट इज नथिंग बट द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर, पैट में से पहले किसको देंगे, प्रिफरेंस को, क्या देंगे, डिविडेंड, और प्रिफरेंस को डिविडेंड देने के बाद जो बचेगा वो कौन है, अर्निंग अवेलेबल, और जितना किसके लिए अर्निंग अवेलेबल है, इक्विटी शेयर, और इक्विटी शेयर के लिए जितना भी अर्निंग अवेलेबल है उसको डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ शेयर से, तो आपको क्या मिलेगा, अर्निंग पर शेयर, वो हमारा अर्निंग पर शेयर है, ये पता है क्या आपको। तो सर ये चार हमारे मॉडल है, इसके ऊपर हमें क्वेश्चन देखना है, बाकी आप जो बोल रहे थे रिटेन अर्निंग का बात कर रहे थे, एक्चुअल में क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है, देखो केई पढ़ा, केपी पढ़ा, केडी पढ़ा, केडी का बच्चों फॉर डिबेंचर हो ये बैंक लोन, दोनों के लिए सेम अप्लीकेबल है। अब जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है वही होता है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग मतलब रिजर्व एंड सरप्लस पे किसका होता अधिकार, इक्विटी शेयर का, तो इसके लिए जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है वही क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। समझा क्या बेटा, आप सर इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस इतना है कि जिन्हें पहले कभी नहीं पढ़ा होगा इसका बस फोटो निकालो या स्क्रीनशॉट निकालो बेटा फॉर्मूला का। चलो जितने जिनको भी चाहिए फोटो बेटा स्क्रीनशॉट निकालिए तो आगे बढ़ पाएंगे। तो बच्चों ऑनलाइन बेटा स्क्रीनशॉट लिया तो चलेगा, आप चाहिए होगा तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके चलो अब इसका लो बेटा स्क्रीनशॉट लो। होशियार नहीं होता तुम्हारी तरह चलता है। चलो डन डन, इसका फोटो लीजिए। डन चलो ठीक है सर, ये तो अपना हो चुका है पार्ट अभी, अब सर इसके ऊपर सम करेंगे। रेडी सम के लिए सब लोग, कैलसी पेन सब है क्या, पक्का? तो सर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन मत कर तो अलग है, फर्स्ट क्वेश्चन सबसे लास्ट में करते हैं अपन, वो अलग है, वैल्यूएशन बॉन्ड वाला भारी समय है। चलो सबसे पहले क्वेश्चन टू को देखिए, पढ़ो क्वेश्चन। पढ़ा क्या बोला है, एबीसी लिमिटेड इश्यूज 2010% प्रिफरेंस शेयर, से कितने प्रिफरेंस शेयर है, 2000 प्रिफरेंस शेयर है, 10% कौन है, रेट ऑफ डिविडेंड है, 100 रुपए का प्रिफरेंस शेयर है, कितने में इशू किया, 95, इशू एड किया डिस्काउंट, 100 का शेयर इशू किया 95 में, कंपनी प्रपोजेस टू रिडीम
प्रिफरेंस शेयर एट द एंड ऑफ टेंथ ईयर. कैसा प्रिफरेंस शेयर है, रिडीमेबल या इरिडीमेबल? कैसा बेटा जी? रिडीमेबल. रिडम्पशन कब कर रहे? 10 सालों के बाद. रिडम्पशन कैसे करें? एट पार, एट प्रीमियम कुछ बोला है क्या बेटा? नहीं है. अब क्या बोला? कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर. सम को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन 2 आपके सामने से. अब बताओ सम किसका है? कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर. फटाफट बताइए कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर में कितने वर्जन थे, कौन से थे? रिडीमेबल एंड रिडीमेबल. सम किसका है? रिडम्पशन हो रहा है क्या? अब बताओ इन केस ऑफ रिडीमेबल, बोलो सर कौन सा फॉर्मूला, छोटा या बड़ा वाला? बोलो क्या फॉर्मूला है? D1 किधर रहे, वो इक्विटी में होता रहे. बोलो फॉर्मूला नालायक हो. अब इसीलिए ध्यान देने बोला था, बंद कर नोटबुक. समझा क्या अभी? हाँ फॉर्मूला बता, फॉर्मूला बोलो बिना देखा. D+RV-NP / NN + NP + RV / 2 200. थोड़ा सीरियसली अटेंड को लेक्चर. समझा कि इसमें आपका बेनिफिट है, थोड़ा सीरियस चाहिए लेक्चर सीरियसनेस. अब बताओ ये सम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? NP चाहिए, RV चाहिए, D चाहिए और N चाहिए. NP मतलब नेट प्रोसीड, इश्यू करके जो हाथ में आ रहा वो क्या है? नेट प्रोसीड. RV मतलब रिडीमेबल वैल्यू, कितने में क्या कर रहे, रिडीम कर रहे. N इज नंबर ऑफ ईयर. अब बताइए क्वेश्चन देख के बताइए कितने में इशू किया? 95. इशू करके हाथ में कितना आ रहा है? 95. वो मेरा कौन है? नेट प्रोसीड. पक्का? अब बताओ सर कितने में रिडीम कर रहे हैं? कुछ बोला है क्या? सर कुछ नहीं बोला है. रिडीमेबल ऐड क्या हो गया? पार. सर कुछ नहीं, रिडीमेबल ऐड क्या होगा? पार. वो कौन है? RV. तो क्या आएगा सर? 100. कुछ नहीं बोला, रिडीमेबल ऐड पार, 100 रुपए. डिविडेंड कितना है? 10% ऑफ क्या होगा? प्रिफरेंस. सो 10% ऑफ फेस वैल्यू. सर कितना फेस वैल्यू है? 100 रुपए. उसका 10 तक कितना आएगा? 10. N इज नंबर ऑफ ईयर. सर कितने साल है? 10 साल है. सर कितने साल है? 10 साल. करूँ सॉल्व? चलो अरे को क्या चाहिए? डिविडेंड D. बोलो सर डिविडेंड D कितना है? बोलो 10 से. RV कितना है? 100. NP कितना है? नंबर ऑफ N कितना है? 10. NP + RV / 2. सबको समझा क्या बच्चों? अरे कैसे करेंगे? पहले बच्चों 10 है यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या होगा? 100 - 95 कितना आएगा? 5. 5/10 कितना आएगा? 0.5. पक्का? 95 + 100 क्या आएगा? 195 / 2 कितना आएगा? 97.5 × 100 कितना रहा? 7692%. पक्का? ये हमने क्या निकाला सर जी? कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर KP. सबको समझा क्या? कैन आई गो हेड? ओके. उसका देखिए सर क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो. इजी क्वेश्चन है, चिल्लर एकदम. पढ़ा सर? पक्का? सर कितना डिविडेंट है? 10%. 100 का प्रिफरेंस शेयर इश्यू कितने में किया? 95. इश्यू एट डिस्काउंट. और क्या निकला? कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर. कहीं सम में कहीं पे बोला है क्या प्रिफरेंस शेयर का? रिडम्पशन हो रहा है बोला है क्या? रिडम्पशन नहीं बोला है. तो सम किसका? रिडीमेबल रिडीमेबल रिडीमेबल. तो फॉर्मूला बड़ा वाला छोटा वाला? बताओ सर कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर के लिए छोटा फॉर्मूला क्या? D/NP × 100. दो बातें चाहिए, NP और D. बोलो बच्चों इशू करके हाथ में कितना आ रहा? 95. वो मेरा नेट प्रोसीड है. पक्का? डिविडेंड कितना है? सर कितना डिविडेंट है? 10% ऑफ क्या है? फेस वैल्यू. कितना आएगा? 10. पक्का? कैन यू फाइंड कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर KP? सर डिविडेंड D कितना आएगा? 10. NP कितना आएगा? 95 इंटू क्या हो गया? 100. बोलो कितना आएगा? 10.5263. ये मेरा कौन है? कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर KP. कोई दिक्कत? स्पीड ठीक है? चलो आगे बढ़ना चलेगा.
ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, पढ़ा कॉस्ट ऑफ इक्विटी के समय जी क्या बोले, कंपनी हैज पेड डिविडेंड रुपीज 1%। मेरा सवाल है, कंपनी डिविडेंड पे करने वाले पे कर चुके, कंपनी हैज पेड डिविडेंड पे कर चुके, सर जो पे कर चुके वो कौन है, डी जीरो, जो पे कर चुके वो कौन है, डी जीरो, सर कितना डी जीरो दिया है, 1। बाद में क्या है, शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 10 है। इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 70% नेक्स्ट ईयर, सर डिविडेंड ग्रो कितने से हो रहा है, 70%, कौन है हमारा ग्रोथ रेट है, वो ज्यादा होगा ना ग्रोथ रेट, मॉड्यूल में इतना दिया 70% दिया, एक बार चेक करो जो बच्चों जिनके पास मॉड्यूल चेक करो, मतलब कितना आएगा 70%, मतलब 0.7 आएगा ग्रोथ रेट आएगा। और कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ द मार्केट प्राइस कितना दिया बच्चों, 55। डेटा समझ में आ रहा है क्या अपने को, पक्का सम को सॉल्व करने, क्वेश्चन फोर की बात कर रहा हूं मैं, डी जीरो दिया है, ग्रोथ रेट दिया है और पी जीरो दिया है, समझा क्या बच्चों, मुझे पहले बताओ यहां पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है कौन सा मॉडल, सीएपीएम मॉडल या डिविडेंड, कॉन्स्टेंट डिविडेंड, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, वाई ग्रोथ मॉडल, ग्रोथ रेट दिया है। बेटा मुझे बताइए, बताओ क्या बेटा मुझे पता फॉर्मूला क्या है, केई का बोलो फॉर्मूला क्या है, डी वन अपॉन पी जीरो प्लस ग्रोथ रेट इंटू 100। फिर से बोलो क्या फॉर्मूला है, डी वन अपॉन पी जीरो प्लस ग्रोथ रेट इंटू 100। अगर मुझे तीन बातें चाहिए ना बेटा जी, ग्रोथ रेट जी तो मुझे पता है, शेयर का प्राइस पी जीरो मुझे पता है, अब मुझे क्या निकालना है, डी वन, बट डी वन मिलेगा तो मेरा काम बन जाएगा, डी जीरो पता मुझे क्या मांगता है, डी वन, बोलो हाउ टू फाइंड डी वन, डी जीरो इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट, बोलो डी जीरो कितना है, 1, कितना ग्रोथ रेट है, 0.7, कितना है बोलो आंसर, 1.7 आ रहा है क्या, वैल्यू पुट करूं, बोलो डी वन कितना आ रहा है, 1.7, कितना पी जीरो है, ये स्पीड ठीक है ना, फास्ट नहीं हो रहा ना, प्लस 0.7 करो पहले, 1.7 डिवाइडेड बाय 55 करो, प्लस 0.7 इंटू 100, 70.09, खत्म, सबको समझा बच्चों, कोई तकलीफ, कैन आई गो अहेड, चलो शानदार। अब क्वेश्चन फाइव को पढ़िए, डन, ओके। अब देखो क्या बोला है, कैलकुलेट वैक यूजिंग, सॉरी क्वेश्चन फाइव पे था बेटा, कैलकुलेट कॉस्ट इक्विटी के ही बेटा निकाले, उसका क्या रिस्क फ्री रेट दिया ना बच्चों, रिस्क फ्री मतलब क्या होता है, आरएफ, इसमें मतलब क्या होता है, आरएफ, आरएफ कितना दिया, 10% मतलब क्या है, 0.1, और बीटा कितना दिया, 1.75, और क्या बोला है, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, से किसका रिटर्न है, मार्केट, मतलब क्या है, आरएम, आरएम कितना दिया, 15%, मतलब 0.15, नहीं समझा सर, रिस्क फ्री मतलब आरएफ कितना दिया है, 10% मतलब 0.1, मार्केट मतलब आरएम कितना दिया है, 15% मतलब 0.15, और मुझे क्या निकालना है, बीटा, मुझे क्या निकालना बच्चों, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब क्या निकालना है, के, बोलो हाँ या ना, बोलो सर
के ई के लिए बोलो फॉर्मूला क्या, आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, बोलो आर एफ कितना है 0.1, बीटा आर एम 0.15 और आर एफ करो सॉल्व। सब पहले क्या सॉल्व करोगे, ब्रैकेट करो 0.15 माइनस 0.1 कितना आ रहा, इंटू 1.75 प्लस 0.1 0.18 इंटू 100 करो ये पॉइंट में ना, परसेंट के इंटू 100 कितना 18.75%। समझा क्या बच्चों, चलो शानदार, सभी से कंफर्टेबल है, कोई तकलीफ इसमें, चलो कैन आई गो अहेड। अब सर आप एक काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 अभी देखो, अब तक किस सम क्लियर है क्या बच्चों, अब तक हमने समझे क्या इंडिविजुअल सम थे, कॉस्ट इक्विटी के ई, कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर के पी के डी, अब तक हमने एक एक का कॉस्ट निकाला था। अब अगर सम में, अगर मान लो कंपनी में इक्विटी शेयर भी है, प्रिफरेंस शेयर भी है, डिबेंचर भी है, रिटेन अर्निंग भी है, सब कुछ है, तो सबका मिला के आपको क्या निकालना पड़ेगा, ओवरऑल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो जो ओवरऑल कॉस्ट निकाल उसे क्या कहते हैं, वैक। वैक मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वापिस बता रहा हूं, मान लीजिए एक कंपनी में इक्विटी शेयर है, प्रिफरेंस शेयर है, डिबेंचर है, बैंक लोन है, सब कुछ है। इक्विटी का कॉस्ट के ही आपको पता है, प्रिफरेंस का कॉस्ट के पी आपको पता है, डिबेंचर का कॉस्ट के डी आपको पता है, लोन का कॉस्ट भी के डी आपको पता है। अगर आपको सबका मिला के अगर आपको निकालना है ओवरऑल कॉस्ट, सबका मिला के आपको क्या निकालना है, ओवरऑल कॉस्ट, तो ओवरऑल कॉस्ट के हम क्या निकालेंगे, वैक। सो ओवरऑल कॉस्ट के बाद हम क्या निकालेंगे, वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सर वैक का फॉर्मूला होता है समेशन के इंटू डब्ल्यू। बोलो सर वैक का फॉर्मूला क्या है, समेशन के इंटू डब्ल्यू। अब सर वैक कैसे निकालेंगे सुनना, अगर बच्चों आपको वैक निकालना है, ऐसा कहा जाता है वैक को निकालने के लिए हम लोग बनाएंगे 5 कॉलम, कितने 5, दोबारा बताओ सर वैक के लिए कॉलम कितने आएंगे 5, वो 5 कॉलम होते पर्टिकुलर, रुपीस, के, डब्ल्यू और के डब्ल्यू। सर दोबारा बता रहा हूं, मुझे होता वैक को निकालने के लिए हम कितने कॉलम बनाएंगे 5, बोलो क्या क्या, पर्टिकुलर, रुपीस, के, डब्ल्यू और के डब्ल्यू। पर्टिकुलर में आएगा नाम, बट उसमें क्या आएगा, रुपीस में आएगा अमाउंट, रुपीस में क्या आएगा, इट कैन बी आइदर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, वो सब में दिया होता है। पर्टिकुलर्स में क्या आएंगे, नाम, रुपीस में क्या आएगा, अमाउंट, आइदर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, वो सब में दिया होता है। के मतलब कॉस्ट और डब्ल्यू मतलब वेटेज, हर एक का हिस्सा, वो सब से बता दूंगा। अगर के पता है डब्ल्यू पता है तो के को डब्ल्यू से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, और फिर क्या करोगे सम, तो बच्चा आपको क्या मिलेगा, वैक, याद रहेगा। अब क्वेश्चन देखो, सारा फंडा समझेगा, बैटरी क्वेश्चन। अब मैं चाहता हूं कि सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 को एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, बस यहां तक क्वेश्चन है पूरा स्टार्ट टू एंड, ध्यान से पढ़ दो बार ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6 को।
चलो दिख रहा है प्रॉपर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला बच्चों, कैलकुलेट वैक, वैक मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सो वैक कितने वैसे करना है, दो वैसे, एक बार बुक वैल्यू को क्या लेंगे वेटेज, और एक बार हम क्या लेंगे बच्चों मार्केट वैल्यू क्या लेंगे वेटेज, आपको वैक दो वैसे निकालना है। अब सर टेबल देखो क्या क्या दिया, कंपनी के कैपिटल में तीन बातें, डिबेंचर, प्रिफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। एक डिबेंचर 100 रुपए का, ऐसे 5 लाख रुपए की डिबेंचर, मेरा पहला सवाल है 100 रुपए में एक डिबेंचर है तो 5 लाख में कितने डिबेंचर आएंगे, 5000। सर 100 रुपए में क्या है एक डिबेंचर तो 5 लाख में कितने आएंगे, 5000 डिबेंचर। 100 रुपए में एक प्रिफरेंस शेयर है तो 5 लाख में कितने आएंगे, 5000 प्रिफरेंस शेयर। 10 रुपए में एक इक्विटी शेयर है तो 10 लाख में कितने आएंगे, 1 लाख इक्विटी शेयर। समझा क्या बच्चों, बाद में क्या बोला है, मार्केट प्राइस दिया है बच्चों, डिबेंचर कितना मार्केट प्राइस है 105, प्रिफरेंस कितना है 110, इक्विटी कितना है 24, ये सारे कौन है मार्केट प्राइस है। आप क्वेश्चन में क्या बोला है, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिए बच्चों, इंफॉर्मेशन 1 में किसके बारे में दिया, डिबेंचर, एक बार पढ़ लो उसको, सौ रुपए का डिबेंचर है, 10% को ना बच्चों कूपन रेट, ओके बेटा मुझे बताओ 100 रुपए का डिबेंचर बेटा जी, ओके बच्चों रिडीमेबल ऐड क्या होगा पार, रिडीमेबल ऐड क्या होगा पार, 10% को ने कूपन, बड़े मैंने कूपन रेट इंटरेस्ट, डिबेंचर में कूपन रेट का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही प्रिफरेंस शेयर में और इक्विटी शेयर में उसका मतलब क्या रेट ऑफ डिविडेंड, याद रखना बेटा जी, इक्विटी आएगा तो कूपन का मतलब क्या रेट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि डिबेंचर है तो इसका मतलब क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर 4% क्या फ्लोटेशन कॉस्ट का मीनिंग आगे समझाता हूं मैं आपको, 10 साल का क्या बेटा मैच्योरिटी, रिडम्पशन कब कर रहे 10 सालों के बाद, ओके बेटा बाद में। पॉइंट नंबर 2 में किसके बारे में दिया है प्रिफरेंस शेयर, और पॉइंट नंबर 3 में किसके बारे में दिया है इक्विटी शेयर, और फिर आगे कुछ तो दिया है सब चीजें ठीक है, और टैक्स कितना बच्चों रेट है 50%, और हमें क्या निकाला बच्चों वैक निकाला। अब सुनो बच्चों अगर आपको वैक निकालना है तो सबसे पहले काम करते हैं हम लोग, हर एक का पहले इंडिविजुअल कॉस्ट निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर केडी, कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर केपी, कॉस्ट इक्विटी के। सबसे पहले हर एक का में इंडिविजुअल कॉस्ट निकालू चलेगा, फिर हम निकालते वैक, चलेगा क्या बच्चों ट्राई करते हैं। बोलो क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन 6 से। सबसे पहले काम करते हैं, बोलो सर कैपिटल में कितनी बातें, 3। सबसे पहले हम क्या निकालते कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, मतलब क्या निकालते केडी। आप बताओ थोड़ा स्पीड बढ़ाओ चलेगा क्या, अब बताओ डिबेंचर कैसा है, रिडीमेबल है रिडीमेबल, फॉर्मूला बड़ा है छोटा वाला, बड़ा वाला रिडीमेबल है, क्या आएगा फॉर्मूला, आई इंटू 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन अपॉन एन पी प्लस आर वी अपॉन 2 इंटू 100। अब मुझे क्या क्या चाहिए बच्चों देखो, एन पी चाहिए, आर वी चाहिए, एन चाहिए, आई चाहिए, और मुझे क्या चाहिए टी, तेजी के पास चलो। अब सर देखो डिबेंचर के लिए एक पॉइंट 1 को तो पढ़ लो बच्चों अच्छे से, पॉइंट वापस पढ़ लो, पॉइंट 1 पढ़ लिया। चलो पहले मुझे चाहिए एनपी नेट प्रोसीड, डिबेंचर इश्यू करके जो हाथ में आ रहा वो कौन है, नेट प्रोसीड। बोलो अच्छो इश्यू करके हाथ में कितना आ रहा है, बेटा इश्यू कैसे के कुछ बोला है क्या उन्होंने, इश्यू एट पार, इश्यू को पेमेंट, उन्होंने क्या लाया रिडीमेबल एट पार बोला है, इश्यू कितने में क्या बोला है क्या, तो याद रखना कुछ नहीं बोला है, तो यहां पे इश्यू के टाइम पे क्या बोलेंगे, कोई पूछेगा कि सर डिबेंचर इश्यू करके कितना पैसा हाथ में आएगा, आप उसको बोले पूछो पहले ये तो बता डिबेंचर का मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, डिबेंचर का मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है,
105, अगर मार्केट में अभी प्राइस 105 चल रहा है तो मैं अगर डिबेंचर इश्यू करूंगा तो मेरे हाथ में कितना आएगा? 105। समझा क्या? कुछ नहीं बोला है तो क्या बोलेंगे? जितना मार्केट में प्राइस चल रहा है उतना पैसा हाथ में आएगा। बोलो बच्चों कितना मार्केट प्राइस है? तो इश्यू करके कितना हाथ में आएगा? डिबेंचर इश्यू करके 105 हाथ में आने वाला था, आने वाला था, बट यहां पे आप साथ में क्या पे कर रहे हो? फ्लोटेशन कॉस्ट। आपको पता है फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? जब भी कंपनी कोई सिक्योरिटी इश्यू करते, जब भी कंपनी कोई सिक्योरिटी इश्यू करते तो सिक्योरिटी इश्यू करते हो इनिशियली कुछ खर्चे आते हैं, जैसे आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा, अंडर कमीशन पे करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट आएगा, इनिशियली जो खर्चे होते हैं उन्हें बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो वैसे से डिबेंचर इश्यू करके 105 हाथ में आने वाला था, पर उसके ऊपर क्या पे किया हम लोगों ने? 4% का क्या पे किया? फ्लोटेशन कॉस्ट। तो ये फ्लोटेशन कॉस्ट काटने के बाद अपने हाथ में कितना आ रहा है? कितना? 100.8 हाथ में आ रहा है क्या? ये कौन हमारा नेट प्रोसीड? अरे झेपा क्या बच्चों, नहीं समझा? नेक्स्ट क्या दिया बताइए? आरवी कुछ बोला है? क्या बोला है? रिडीमेबल एट पार। रिडम्शन करके कितने में रिडम्शन कर रहे? 100 रुपए में। कितने सालों बाद कर रहे? 10 सालों बाद। एंड 10 है क्या? इंटरेस्ट कितना है बोलो? इंटरेस्ट कितना है? 10% किसका? फेस वैल्यू का ना। फेस वैल्यू कितना है? 100। उसका 10 तक कितना आएगा? 10। और कितना टैक्स का रेट है? नीचे दिया ना कितना टैक्स है? 50%, मतलब 0.5। चलो फटाफट अभी कैलकुलेशन करो। हाथ में 105 आ रहा था, आपने 4% फ्लोटेशन कॉस्ट पे किया, उससे पैसा कम हो गया ना, अपने हाथ में 105 है, उससे कम आएगा। कैलसी पे कर 105 माइनस 4% प्रेस कर, आ रहा है क्या भाई? 100.8 आ रहा है। बस बच्चों याद रखना, जब तुम आरवी माइनस एनपी करोगे ना वो माइनस में आएगा क्या? आरवी 100 है और एनपी तुम्हारा 100.8 है, माइनस। चलो करके बताओ फटाफट मुझे कैलकुलेशन, बाकी लोग भी करो बच्चे, वेरीफाई नहीं, जल्दी जल्दी करो या रफ में लिख के कह दो। चले फास्ट फास्ट, जितने बच्चे ऑनलाइन है ऑफलाइन है सब लोग करके बता कैलकुलेशन करो। चलो आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? 4. क्या कर रहे, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो। इंटरेस्ट आई 10 रखा क्या आपने? 1 माइनस टी 10 इंटू 0.5 कितना आएगा? 0.5 आएगा ना इधर। अब यहाँ पे आरवी माइनस एनपी, आरवी कितना है? 100। एनपी कितना आ रहा है? 100.8 करो, 100 माइनस 100.8 कितना आएगा? माइनस 0.8 ना। आपको एन कितना आ रहा है? 10 माइनस 0.8 बाई 10 कितना आएगा? माइनस 0.08 ना, समझा क्या? और नीचे एनपी प्लस आरवी, 100.8 प्लस 100 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 100.4। अब पहले ऊपर वाला पार्ट करो, ये प्लस माइनस माइनस होगा ना, करो 5 माइनस कितना आएगा? 4.92 डिवाइडेड बाय 100.4 इंटू, पक्का 4.92 डिवाइड 100.4 इंटू 100 कितना आएगा? 4.9003। पक्का सही कहता है उसने? तो तुम नाले सब लोग गलत किया, पहले करके उसने सही किया। चलो सबको जमा रहा गया बेटा, मिल गया केडी। ओके अब इसका देखो नेक्स्ट क्या है। सब फ्लोटेशन कॉस्ट फेस वैल्यू पे लेते हैं? नहीं बेटा जी,
जो मार्केट प्राइस पे लेते बेटा जी। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, देखो प्रिफरेंस शेयर, देखो सर फेस वाले 100 रुपये प्रिफरेंस शेयर का, मार्केट लो 110 है, मार्केट लो कितना 110 है, पढ़ो पॉइंट नंबर 2 को पढ़ो, प्रिफरेंशियल क्या क्या दिया, पढ़ा क्या, 100 रुपये का प्रिफरेंस शेयर है और 5% कौन है, कूपन रेट, यहाँ पे कूपन रेट का मतलब क्या है, डिविडेंड, पास्ट का डिविडेंड है, और 2% कौन है, फ्लोटेशन कॉस्ट, मैच्योर कब हो रहा है, 10 सालों बाद ना, रिमूवल 10 सालों के बाद। अब देखो प्रिफरेंस सॉल्व करना है मुझे, क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर केपी, बोलो केपी के लिए बड़ा वाला फॉर्मूला ना, बोलो क्या फॉर्मूला है, डी प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन अपॉन एन पी प्लस आर वी अपॉन 2 × 100। मुझे क्या क्या चाहिए बच्चों, देखो एन पी चाहिए, आर वी चाहिए, डी चाहिए और एन चाहिए, एन पी नेट प्रोसीड, बोलो इशू करके हाथ में कितना आ रहा, 110, 100 हाथ में आने वाला था, बट साथ में क्या पे करे, फ्लोटेशन कॉस्ट, कितना पे कर रहे हैं, कितना 2%, 110 हाथ में आने वाला था ना, आपने क्या पे किया, फ्लोटेशन कॉस्ट, कितना हाथ में आ रहा है, 10 पक्का। नेक्स्ट क्या चाहिए, आरवी, आरवी मतलब कौन है, रिडीमेबल वैल्यू, सर रिडमशन कितने में कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल ऐड पार ना बच्चों, रिडीमेबल उसका डिविडेंड कितना है, डिविडेंड मतलब कौन है, कूपन रेट ना बेटा, किसका 5% फेस वैल्यू, 5 आ रहा है क्या, अब नंबर ऑफ पेयर एन कितना दिया है, 10, करो सॉल्व अभी, करो बेशम लो 4.065%, बाकी जो ऑनलाइन वो भी करके देखो, सबका रिप्लाई चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में, फोर पॉइंट जीरो सिक्स आ रहा है क्या, बराबर 0615 बराबर आ रहा सबका आंसर, चलो ऑनलाइन होंगे सेम आ रहा आंसर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मुझे क्या आने का, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के, अब इक्विटी के लिए बच्चों एक काम करो, ये 3 लाइन यहाँ से आते पढ़ो इक्विटी के लिए, पढ़ा बोलो इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस 24 है क्या बेटा, और फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है, 4, मतलब 4 रुपये काट के हाथ में कितना आएगा, 20 आएगा ना, तो प्राइस 24 होगा ना बेटा जी। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड, मतलब जो नेक्स्ट ईयर दे रहे वो कौन है, D0 D1, जो नेक्स्ट ईयर दे जो एक्सपेक्टेड है वो क्या होता है, D11 है, और कितना ग्रोथ रेट है, 5%। अब फिर से मुझे बताइए इक्विटी शेयर के लिए क्या, D1 अपॉन क्या आएगा, P0 प्लस ग्रोथ रेट इंटू डिविडेंड, D1 कितना दिया था, 1 था ना, प्राइस कितना हाथ में आ रहा है, 24 का प्राइस था, 4 रुपये फ्लोटेशन रुपीज में, फ्लोटेशन कॉस्ट पे के हाथ में कितना आ रहा है, 20, वो P0 है, और ग्रोथ रेट कितना था, 5%, 0.05, करो कितना आएगा,
10% कही आ रहा है क्या बच्चों? एक बार सब कुछ मिलेगा, वैक निकाल पाएंगे? अब मुझे रहा बच्चों, वैक को बेटा अगर निकालना है, बेटा मुझे होता हूँ, ओके बेटा वैक को बेटा अगर निकालना है तो वैक को निकालने के लिए बेटा मुझे बताइए कितने तरीके? नहीं, तरीके कितने? दो, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। यहाँ पे दोनों से बोला ना, बुक वैल्यू से भी करना है, मार्केट दोनों से करना है। अब मैं वैक निकालने जा रहा हूँ, पहले किससे करेंगे हम लोग? बुक वैल्यू से। अब स्टेटमेंट ऑफ वैक यूजिंग क्या करेंगे? बुक वैल्यू एज अ वेट। अब हम बुक वैल्यू के बच्चे वेट लेंगे। अब बताओ वैक मुझे निकालना है तो वैक को निकालने के लिए हम कितने कॉलम बनाएंगे? पांच। बोलो क्या क्या? पर्टिकुलर, रुपीस, के डब्ल्यू। अब जब कॉन्फ्रेंस आ रहा है क्या? पर्टिकुलर्स में क्या आएंगे? नाम। बोलो क्या क्या नाम थे? पहला कौन था? डिबेंचर था ना, फिर प्रिफरेंस शेयर, फिर इक्विटी शेयर। रुपीज में क्या आएगा? अमाउंट। इट कैन बी आइदर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, ये सबसे मेन केले। अब कौन सी मेथड है? बुक वैल्यू। तो रुपीज में क्या लेंगे? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जो बुक्स में दिया है, जो बुक में दिया है, सब में जो दिया उसे क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू। बोलो सर, डिबेंचर का वैल्यू कितना दिया? 5 लाख। प्रिफरेंस शेयर 5 लाख। इक्विटी शेयर 10 लाख। ये कौन है हमारा? बुक वैल्यू। बोलो कितना बुक वैल्यू है? 5 लाख, फिर 5 लाख, फिर 10 लाख। ये बुक वैल्यू है क्या? फिर के मतलब कौन है? कॉस्ट। कॉस्ट ऊपर निकाला बेटा जी। आप बताइए मुझे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर केडी कितना है? 4.9003। फिर मुझे आता कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस केपी कितना है? 4.061। कॉस्ट ऑफ के कितना आ रहा है? 10% क्या आएगा? 10। छिपा क्या बच्चों? के मिल गया। मुझे क्या चाहिए बच्चों? वेटेज क्या चाहिए मुझे? डब्ल्यू। बट हाउ टू फाइंड वेटेज? देखो वेटेज का मतलब क्या है? टोटल कैपिटल में हर एक का कितना हिस्सा है। आप बताओ कितना डिबेंचर है? 5 लाख। कितना प्रिफरेंस शेयर है? 5 लाख। कितना इक्विटी है? 10 लाख। सबका सम कितना आएगा? 20 लाख। वेटेज का मतलब क्या है? टोटल कैपिटल में हर एक का कितना हिस्सा है। वेटेज क्या है? टोटल कैपिटल में हर एक का हिस्सा। सर टोटल कैपिटल 20 लाख है, उसमें कितना डिबेंचर है? 5 लाख। सर टोटल कैपिटल 20 लाख, सर कितना डिबेंचर है? 5 लाख। कितना हिस्सा आएगा? 0.25। वो कौन है हमारा? वेटेज है। सर टोटल कैपिटल 20 लाख, कितना प्रिफरेंस शेयर है? 5 लाख। कितना हिस्सा आएगा? वो वेटेज है। सर टोटल कैपिटल 20 लाख, कितना हिस्सा है? जी बच्चों वेटेज का मतलब क्या है? अमाउंट अपॉन टोटल, अमाउंट अपॉन टोटल, हर एक का जो हिस्सा कितना आएगा? नहीं समझा? टोटल में हर एक का हिस्सा। एक बार के मिल गया, डब्ल्यू मिल गया, आप क्या करेंगे? के को डब्ल्यू से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करो। 4.90 इंटू 0.25 कितना आएगा? 1.2250। नेक्स्ट 4.061 इंटू 0.25 कितना आएगा? 1.01। ओके फिर 10 इंटू 0.5 कितना आएगा? 5। के डब्ल्यू का सम करो कितना आएगा? 7.24। पक्का? के डब्ल्यू के बच्चों हम क्या करेंगे? सम। ये हम क्या बोलेंगे? वैक। बोलो सर वैक कितना आएगा? 7.2404। कोई दिक्कत नहीं समझा? ये किससे किया बच्चों? बुक वैल्यू। अब किससे करना है? मार्केट वैल्यू। अब फिर से वैक निकालना है। यूजिंग क्या करेंगे बच्चों? मार्केट वैल्यू एज ए वेट। अब बताओ वैक को निकालने के लिए कितने कॉलम? 5। बोलो क्या क्या? पर्टिकुलर, रुपीस, के डब्ल्यू और के डब्ल्यू। पर्टिकुलर, रुपीस, के डब्ल्यू और के डब्ल्यू। पर्टिकुलर्स में क्या आएंगे? नाम। बोलो क्या क्या नाम आएगा? डिबेंचर, फिर प्रिफरेंस शेयर, फिर इक्विटी शेयर। पक्का? रुपीस में क्या आएगा? सर रुपीस में क्या आएगा? अमाउंट। रुपीस में अमाउंट। अब बताओ अमाउंट कौन सा आएगा? बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू? सर रुपीस में क्या आएगा? अमाउंट। अमाउंट कौन सा? बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू। सर हाउ टू फाइंड मार्केट वैल्यू?
एक का कितना मार्केट वैल्यू है इंटू नंबर ऑफ शेयर और नंबर ऑफ डिबेंचर, बोलो पहले डिबेंचर, एक का कितना मार्केट वैल्यू है 105, बोलो सर ऐसे कितने डिबेंचर है, एक का कितना मार्केट वैल्यू 105 है, कितने डिबेंचर है 5000, कितना आएगा 5,25,000, एक का कितना मार्केट वैल्यू 110, कितने प्रिफरेंस शेयर है 5000, कितना आएगा पक्का, एक का कितना मार्केट वैल्यू है 24, कितने इक्विटी शेयर है 1,00,000, कितना आएगा 24,00,000, नहीं समझा पक्का, बोलो कितना कितना आएगा 5,00,000, फिर 5,50,000, फिर इन सब का सम करो 34,00,000 पक्का, स्पीड ठीक है, आगे तुम कर लेंगे ये कॉस्ट वेटेज, कॉस्ट तो वही रहेगा, हाउ वेटेज कैसे निकालेंगे अमाउंट अपॉन टोटल, आगे सॉल्व करना आएगा ना पक्का, यहां तो मेन यहां पे मेन क्या बताना क्या था, मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं, अमाउंट एक का कितना मार्केट वैल्यू नंबर ऑफ डिबे नंबर ऑफ शेयर, आगे कर लेंगे पक्का ना, ये करके बताओ करना आएगा श्योरली, क्योंकि ज्यादा से हो पाएंगे अपने, चलेगा ना यार। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब देख क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा अलग से मैं क्वेश्चन 7 ध्यान से देखिए क्या, हाँ निकलो कोई दिक्कत नहीं, जिनको लेट हो रहा है जा सकते कोई दिक्कत नहीं, क्या ये क्या 6 मार्क या 7 मार्क के लिए, कोई मुश्किल मतलब एग्जाम में तो दोनों नहीं पूछे, बुक वाले मार्क लो कोई देख पूछते, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन 7 को पढ़ो, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, सबसे अलग समय थोड़ा सा, ये कभी देखा नहीं होगा, एकदम अलग समय है, दो बार ध्यान से पढ़ो, इंटर पढ़ा कैसे लगा, सब इजी लगा मुश्किल लगा, इजी है कर ले सॉल्व, बाहर भूषण कर सॉल्व, अरे नंतर आत्मा दे ओके, देखिए समय क्या बोला है, बाकी सम तो समझा क्या बेटा, मतलब इतना मुश्किल भी नहीं समझा, मैं एक्चुअली में सच में बोलूँ क्या, मैंने जोक समझा कि सम इजी है, मैं सम को ध्यान से पढ़िए, सम एकदम इजी है, बताओ कैपिटल में कितनी बातें, क्या क्या है, डिबेंचर है, प्रिफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर है, सेम है लास्ट क्वेश्चन, ये डिबेंचर के लिए 14% कौन है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिफरेंस के लिए 11% कौन है, रेट ऑफ कौन है, डिविडेंड ना, और इक्विटी शेयर 10,000 शेयर है ना, अमाउंट कितना 1,60,000, तो एक का कितना फेस वैल्यू आएगा, 16 रुपये आएगा ना, एक का फेस वैल्यू 16 रुपये आएगा ना बेटा। अब क्या बोले को, कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस कितना है, 23.6, ये कौन है हमारा P0, इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस क्या होता है P0। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर, अगले साल का डिविडेंड पर शेयर मतलब क्या होता है D1, D1 कितना बोला है 50% ऑफ 2018 का EPS। देखो क्या बोल रहे पता है क्या, ये भाई देखो टेबल में देखो तुम्हें 2009, 2010, 2011, 2012, 2018 तक, साल का क्या दिया है सर EPS, आपको हर साल क्या दिया है EPS, ये दिए। और बाद में क्या बोल रहे पता है क्या, देखो सबसे पहले क्या बोला है, कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस मतलब क्या होता है P0, P0 दिया 23.6, फिर क्या बोला है नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड मतलब क्या होता है D1, नेक्स्ट ईयर मतलब क्या होता है D1, D1 कितना दिया है 50%, सर D1 कितना है 50% किसका 2018 का जो EPS है, बोलो D1 कितना है 50% किसका 2018 का जो EPS है, सर 2018 में कितना EPS है 2.36, 2018 में कितना EPS है 2.36, समझा क्या, उसका 50% कितना का, ये मेरा कौन है D1 है, नहीं समझा सर, सर 2018 में कितना EPS है 2.36, समझा क्या बच्चों, उसका 50% कितना 1.18, वो D1 है, बोला हाँ या ना, अरे कल तय का। नेक्स्ट इसके बाद कौन है, आगे क्या दिया बता क्या, और ये कुछ तो दिया रे, ये क्या अर्निंग का ट्रेंड दिया है, अब इससे देखो क्या समझना है यार मुझे, होता 2009 में कितना EPS था, बाद में कितना हो गया 1.1, पहले 1 था फिर 1.1, कुछ क्लिक हो रहा है, 1 का 1.1 बढ़ रहा है क्या, कितने परसेंट बढ़ाओगे रे, लॉजिकल 10% कैसे बढ़ाओगे ना, पहले 1 था, चलो करके देखो बच्चों कैलसी भी करो, ये मतलब ऑब्वियस समझ में आता है, ऐसे एग्जाम ऐसे देंगे जो आपको दिखाई देगा, पहले 1 था कितना होगा 1.1 में ऐड करो 10% कितना आएगा 1.1, अब एक काम करो 1.1 में ऐड करो 10%, 1.21 उसमें ऐड करो 10%, उसमें ऐड करो 10%, चमत्कार हो गया। तो इससे क्या ज्ञान प्राप्त हुआ कि हर साल कितना ग्रोथ हो रहा है 10%। तो ये टेबल क्यों दिया पता है, कितना मगजमारी का इकिल दिए, बस वो समझाने के लिए भाई, यहाँ पे हर साल 10% क्या आ रहा है ग्रोथ हो रहा है, समझा क्या, बस खाना ऐसे खाने में ऐसे खा रहे, वो डायरेक्ट बोल सकते थे कि 10% क्या हो रहा है ग्रोथ, बोलता ऐसे में सीधा नहीं बताएंगे, आप पता कर लो, बच्चा कन्फ्यूज सर क्या दिया बताया क्या, ये 10 साल का EPS दिया है, ऐसे संतोष सर ने पढ़ाई नहीं कभी, समझा क्या, हाँ भाई देखो बात समझ, कंसेप्ट वही रहते, आपने एग्जाम में कहा था ये सब बहुत से डेंजर क्वेश्चन आया था सर पेपर में, सॉरी सर पेपर देखा नहीं पता क्या सर आपने क्लास में नहीं पढ़ाया, अरे कुछ नहीं भाई वही तो था ना लॉजिक है, सम वही होता है, बस तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए, समझा क्या बेटा मैं क्या बता रहा हूँ, कितना ग्रोथ है सर 10% क्या रहा है ग्रो, वो कौन है हमारा ग्रोथ हेड, कैन आई गो हेड, तो सर इक्विटी के बारे में सब दिया उससे कैन फंड के ही कर पाएंगे ना अपन, बाद में क्या बोला है चलो कर अभी कर लेते हाथों हाथ कर लेते, बोले के ई का फॉर्मूला क्या है D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ रेट, बोलो बच्चों D1 कितना है 1.18, P0 कितना है 23.6, सर कितना ग्रोथ रेट है 0.1 इंटू 100 करो कितना आएगा, कितना रहा बताओ, कितना रहा सर 15% आ रहा है क्या, ये सर कौन है हमारा के ई आ रहा 15%, बोलो हाँ या ना, नहीं समझा सर, नेक्स्ट देखो क्या बोले, अब इसका ये किसके बारे में दिया बच्चों डिबेंचर ना बेटा, बेटा मुझे आता कंपनी ने क्या इश्यू किया सर डिबेंचर, कितना इंटरेस्ट है 16, कितना मुझे इंटरेस्ट है 16%, और करंट मार्केट प्राइस कितना डिबेंचर का 90, कितना बच्चों 96 है, ये मार्केट प्राइस 96 है ओके, उससे कैन यू फाइंड कॉस्ट ऑफ डिबेंचर,
वहीं पे कर लूँ क्या? चलेगा ना? तुम बाद में ऐसे प्रॉपर अच्छे से लिख पाओगे ना? बोलो क्या फॉर्मूला है? क्या कॉस्ट डिबेंचर आई इंटू वन माइनस टी अपॉन एन पी, सब भूल गए ना? बोलो डिबेंचर कितने में इश्यू किया? 96 में ना, वो नेट प्रोसीड है। आई मतलब इंटरेस्ट कितना है? 16% ऑफ फेस वैल्यू ना, कितना फेस वैल्यू दिया नहीं, मतलब 100 लेते, 100 कितना आएगा? 16 आएगा ना इंटरेस्ट, और टैक्स नीचे दिया ना, कितना है? 50%, मतलब क्या 0.5। करो सॉल्व, 1.0083, ये तक अब नहीं आएगा रे। बस गलती किया, अभी खुन्ना से देखने का पदुड़ रहा था, देख देख किसे 8.33। पक्का अभी समझा बेटा जी? पक्का। उसका नेक्स्ट देखो क्या है, अभी इसके बाद ये वाला प्रिफरेंस शेयर। प्रिफरेंस शेयर कितना 9.20 का है, उसका बच्चे इश्यू करके 9.2 में किया ना, और उसका डिविडेंड कितना 1.1 है, वो भी निकाले केपी। बोलो केपी का फॉर्मूला क्या होता है? डी अपॉन एनपी। वो ओरली करके बच्चे बताओ केपी क्या है? डी अपॉन एनपी। डिविडेंड कितना है? 1.1। एनपी नेट प्रोसीड कितना है? 9.2 ना, डी अपॉन एनपी ना बच्चों, कितना आएगा बोलो? 11.95%। झेपा क्या बच्चों? और हमें क्या निकालना है? अब यह तो सब कर लिया, हमें क्या पूछा वो तो देखो, पहले क्या पूछा देखो, कैलकुलेटर क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ डेट, मतलब क्या बोला है? केडी, वही तो किया था अपने। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर क्या पूछा था? केपी, वही तो किया था। फिर कॉस्ट ऑफ क्या है? इक्विटी, मतलब वही तो कौन है हमारा? के ई। खत्म। कुछ अलग किया पुण्य? सब दिखने को बड़ा था, बस करना क्या था? केपी केई केडी वही निकाला था। समझा क्या? हाँ हाँ। और पार्ट टू में देखो क्या बोला है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब क्या निकालना है? वैक, वही तो करना अपने को। बस मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब ये जो कैपिटल इश्यू किया ना उसका कॉस्ट निकालना है, मतलब क्या निकालना है? वैक। अभी किसका कॉस्ट निकाल? इक्विटी का निकालना है, डिबेंचर सबका मिला के, वही तो वैक। वैक करना आता है क्या? पक्का। वैक के लिए कितने वाला महंगे? 5। अभी देखो इसके लिए क्वेश्चन कौन सा है अपना? 7, क्वेश्चन 7। उसके लिए वैक निकालना है, वैक के लिए हम कॉलम कितने बनाएंगे? 5। बोलो क्या क्या? पर्टिकुलर, रुपीस, फिर के, फिर डब्ल्यू, फिर के डब्ल्यू। पर्टिकुलर में क्या क्या हो गया? कुछ नहीं उसका, नो न्यू शेयर इश्यू, मतलब क्या न्यू शेयर इश्यू के मतलब क्या है? ये जितना अभी था ना वही चे, जितना कैपिटल अभी वही चे, मतलब कोई भी और एक्स्ट्रा शेयर इश्यू नहीं किया। समझा क्या? तो ये एग्जिस्टिंग कैपिटल है, उसी के लिए निकालना अपने को। समझा क्या? अब मुझे मार्जिनल वैक निकालना है, पहले वैक मुझे निकालना है। कैपिटल में कितनी कितनी बातें, क्या क्या था? डिबेंचर, फिर प्रेफरेंस शेयर, फिर इक्विटी शेयर, रुपीज में क्या आएगा? अमाउंट। कुछ नहीं देखो, लास्ट सम में बुक वैल्यू से करो, मार्केट से बोला था, कुछ बोला है क्या पे? कुछ नहीं बोला है। बाय डिफॉल्ट किससे करेंगे? बुक वैल्यू। सर कुछ नहीं बोला है, बाय डिफॉल्ट किससे करेंगे? सर बुक वैल्यू। पक्का? चलो सर अभी क्या चाहिए सर जी? बुक वैल्यू। बोलो सर कितना बुक वैल्यू? सर सर कितना डिबेंचर है? 30,000। कितना प्रिफरेंस शेयर है? 10,000। कितना इक्विटी? 1,60,000। कितना रहा बताओ? कितना सर? 30,000, फिर 10,000, फिर 1,60,000। सबका सम करो। ये कौन है हमारा? बुक वैल्यू। के मतलब कौन है? कॉस्ट है। के मतलब कौन है? कॉस्ट है। अभी कॉस्ट निकाला था ना, बोले इक्विटी के कॉस्ट कितना है? के ही कितना आ रहा है? 15। उसके बाद डिबेंचर कॉस्ट के ही कितना सर? 8.33। उसके बाद केपी कितना आ रहा है? 11.95। वेटेज निकाल पाएंगे? अमाउंट अपॉन टोटल 30,000 बाय 2,00,000 कितना आएगा? 0.। फिर 10,000 बाय 2,00,000, फिर वही 0.8 आएगा बेटा, 0.8 आएगा। के को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करो, के डब्ल्यू करो कितना? 1.24। फिर 11.95 इंटू 0.05,
पॉइंट 5975, फिर 12 करो सम 84, ये जो के डब्ल्यू का सम है वही तो क्या रहा है, वैक। सबका मैच हो रहा है क्या? अब कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या इसमें? श्योर 100%? लेट्स सी, आगे बढ़ना है। चलो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 8। सेम इज इजी है सर, दोनों सब में कॉस्ट और डिबेंचर केडी आपको निकाला, कर पाएंगे? चलो करके बताओ। बोलो टैक्स पहले डिस्कस करो, चलेगा फिर सॉल्व करेंगे। बोलो टैक्स कितना आ रहा है? 35% पहले केस में। ये 15% को रेट ऑफ कौन है? रेट ऑफ कौन है? इंटरेस्ट है सर। 1,00,000 रुपये का डिबेंचर है सर, 1,000 रुपये का, 1,000 कौन है? बोलो रे नालायक को, 1,000 कौन है उसका? फेस वैल्यू। इश्यू कैसे कहते? प्रीमियम ऑफ क्या है? 10%। सेकंड कितने में इशू किया है? 10%, मतलब क्या? एक कितने में, मतलब कितने में इशू किया? 1100 में। उसके बच्चों देखो क्या बेटा जी, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, मतलब हाथ में कितना? 1100 आएगा बेटा हाथ में, तो मतलब सम कैसे? रिडीमेबल, रिडीमेबल, रिडीमेबल करना आएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसका कॉस्ट कर पाएंगे अगले। इसमें क्या देखो, डिबेंचर कैसा है? रिडीमेबल है। करो कॉस्ट फटाओ, दोनों का कॉस्ट निकालो। फर्स्ट वाले में हो गया कितना रहा कॉस्ट? कितना रहा? 8.86। चलो सेकंड वाला भी करो, 9. ठीक से करो, वापस करो। मुझे होता नेट प्रोसीड कितना आ रहा है?
2000 का डिबेंचर था ना, फ्लोटेशन कॉस्ट पे किया ना 5%, इश्यू करके हाथ में कितना आ रहा है? 1900 हाथ में आएगा ना, 100 प्रोसीड है। रिडीमेबल एट क्या है? पार, मतलब 2000 रिडीम करेंगे ना, और नंबर ऑफ ईयर कितने? 10 है, और इंटरेस्ट कितना है? 14% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 2000 है ना, फेस वैल्यू 2000, उसका 14% कितना आएगा? 280। और टैक्स कितना दिया अपने को? ऊपर 30%, मतलब 0.35। अब इससे करके देखो, नाइन पॉइंट 8461 सबका सेम आ रहा है क्या? पक्का? डन, सबका आ रहा है? अब सर क्वेश्चन 9 को पढ़े, चलो फटाफट क्वेश्चन 9 को पढ़ लीजिए। बड़ा बड़े एक एक का कॉस्ट, एक एक केस है ना, सब में एक एक केस है, हर केस का कॉस्ट निकाला है। फर्स्ट केस में क्या बोला है? किसका कॉस्ट निकाला है? प्रिफरेंस शेयर। बोलो सर, प्रिफरेंस शेयर रिडम्पशन कब? 10 साल बात कर रहे हैं क्या? रेट ऑफ डिविड कितना है? 14%। कितने का प्रिफरेंस शेयर है? 100 रुपये का। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ क्या बोला है? 5%। 100 का प्रिफरेंस शेयर है, रिडीम कितने में के? 105वें। रिडीम कितने में के? 105वें। पक्का? फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है? 5%। पक्का? और डिविडेंड का टैक्स कितना दिया? 10%। वो कुछ काम करनी बच्चों। अब बच्चों देखो, आपने क्या निकाला बच्चों, देखना, कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर। ओके, मुझे आता रिडीमेबल का ना समय, नेट प्रोसीड, इश्यू करके हाथ में कितना आ रहा है? 95 हाथ में आ रहा है क्या? पक्का? क्योंकि 100 रुपये हाथ में आने वाला था, आपने 5% फ्लोटेशन कॉस्ट पे किया, हाथ में कितना आ रहा है? 95। रिडीम कितने में कर रहे हैं? अरे प्रीमियम ने 105 में ना, और डिविडेंड कितना दिया है? 14% ऑफ फेस वैल्यू 14 ना, और नंबर ऑफ ईयर कितना है? 10। करो सॉल्व। कितना आ रहा है? 15%। अब यहाँ पे केस टू पढ़ लीजिए, ये पक्का सेम आएगा आंसर? इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर कितने में सेल हो रहा है बच्चों? 50 में, मतलब उसका प्राइस दिया ना P0, कितना दिया है? 50। और कितना डिविडेंड पे कर रहा है? 6 per share। मतलब कौन है? D1 बोलो, D0 जो बोलना बोलो, विच इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इनफाइनाइटली। ओके, तो यहां पे क्या आएगा बच्चों बताओ? एक्चुअल में बोलो क्या, वो सिर्फ डिविडेंड डी लिखो उसको। तो मुझे क्या बच्चों निकालना है यहां पे? के ही कितना बचा रहा है? 12% आ रहा है के ही? डी अपॉन एनपी इंटू 100। अब इसी का जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 मेरे को क्या बोला है?
इफ द अबव इक्विटी शेयर इफ डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द 5%। पार्ट टू में क्या बोला था, डिविडेंड क्या था, कॉन्स्टेंट था। पार्ट थ्री क्या बोलता है, डिविडेंड का क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। जी बच्चों ग्रो हो रहा है, बच्चों ग्रो हो रहा है तो क्या क्या चेंज, प्राइस तो वही रहेगा ना, पहले क्या चेंज होगा, डिविडेंड डी, सो डी वन निकालना पड़ेगा ना, बोलो डिविडेंड उतना ही रहेगा बढ़ेगा, सो ग्रोथ होगा ना सर, ग्रोथ होने से डिविडेंड बढ़ेगा ना। बोलो डिविडेंड पहले कितना था, 6 था, कितना ग्रोथ रेट है, 5%, मतलब क्या 0.05, कितना रहा, 6.3, पक्का कैलकुलेशन करो रे, समझा क्या। उसके बाद नेक्स्ट कौन ने बताया क्या, यहाँ पे ग्रोथ रेट कितना है, 5% ना, 0.05, अब के निकाल के बताओ, 17. बाकी लोग करो फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या उसका फॉर्मूला आएगा, डी वन अपॉन पी जीरो प्लस ग्रोथ रेट इन 200, समझा मैं क्या बता रहा हूं, नेक्स्ट है पॉइंट फोर को पढ़िए, क्या हो गया, पार्ट फोर हो गया, पार्ट फोर में क्या है, इक्विटी शेयर कितने में सेल हो रहा है, 120, वो शेयर का प्राइस दिया ना 120 पी जीरो दिया। बाद में क्या, अर्निंग पर शेयर कितना है 20, और इस अर्निंग में से कितना डिविडेंड पे किया, सब 20 का अर्निंग था, डिविडेंड कितना पे किया 50%, 10 हो गया ना, वो डी जीरो है डी वन है, डी वन है बच्चों, पेड़ में डी जीरो, वैसे ग्रोथ रेट तो दिया नहीं बेटा, ग्रोथ रेट कहाँ पे दिया। और बाद में क्या बोला है, शेयर होल्डर एक्सपेक्ट द कंपनी टू अर्न कॉन्स्टेंट आफ्टर टैक्स रेट ऑफ 10% ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ द रिटेन अर्निंग। शोल्डर क्या एक्सपेक्ट करे, कंपनी को आफ्टर टैक्स कितना मिलना चाहिए, 10%, वो कुछ काम करें ना अपने, नहीं, शोल्डर एक्सपेक्ट द कंपनी टू अर्न कॉन्स्टेंट आफ्टर टैक्स ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, नहीं इसका ग्रोथ है तो नहीं हो सकता ये, कंपनी में आपको कहना है कि कंपनी हर साल 10% अर्न कॉन्शियस अर्न कर रही है, मतलब इन्वेस्टमेंट पे उनको 10% मिल रहा है, उनका रेट ऑफ रिटर्न है, वो इन्वेस्टमेंट पे जो मिल रहा है उसका रेट ऑफ रिटर्न है। अगर उसको आप ग्रोथ लेना तो ले, लेकिन मुझे मेरे हिसाब से इतना ग्रोथ प्रॉपर वर्ड नहीं, अगर आपको लेना है तो ग्रोथ ले सकते हैं, एक बार चेक करो मॉडल में उन्होंने क्या जूम किया उसको देख लो, अगर ग्रोथ रेट लिया तो अगर 10% में लेता ग्रोथ रेट तो डी जीरो तो मिल गया, उससे आप डी वन निकालना पड़ेगा ना आपको, डी वन कैसे करेंगे, डी जीरो इंटू वन प्लस ग्रोथ रेट, वो कितना आएगा 11 आएगा ना, फिर के ही निकाल के देखो, पी जीरो पता है, ग्रोथ रेट पता है, डी वन पता है, बोलो के ही कितना आएगा, चेक कर एक बार, बस इसका मीनिंग थोड़ा सा डाउटफुल मीनिंग है इसका, वो देखना पड़ेगा, बाकी सब समझा क्या बेटा सबको, चलो बाकी सब सम क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया बेटा जी। तो यहाँ पे और बस इसमें अपना एक ही सम रहेगा बेटा जी, आपको ज़्यादा फर्स्ट सम रहेगा बेटा, राइट ना, चिंता मतलब फर्स्ट सम में करा के दो, फर्स्ट सम थोड़ा अलग सम है, फर्स्ट सम का जो लिंकेज है बेटा, इसमें डिविडेंड पॉलिसी में कंसेप्ट है वैल्यूएशन ऑफ शेयर का जो होता ना बेटा, उस टाइप का समय, तो जब मैं डिविडेंड पॉलिसी कराऊंगा तो डिविडेंड बेटा पॉलिसी टाइम पे वो समय करा के दूंगा आपको, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का समय वहाँ पे डिविडेंड पॉलिसी में पढ़ी क्लास में सम किए थे, प्राइस ऑफ शेयर मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड, याद है क्या बेटा जी, उस टाइप से सम से करना मैं तब आपको बता दूंगा, उसमें बता दूंगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। बाकी सारे आज के सम क्लियर है क्या, अब कॉन्फ्रेंस आ रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, पक्का श्योरली, चलो तो कल आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, कल अपन जो कल के बच्चों लेक्चर में
कल मैं दो टॉपिक करा के दूंगा बच्चों। कल एक टॉपिक अपना होगा कैपिटल स्ट्रक्चर और सेकंड चैप्टर होगा डिविडेंड पॉलिसी। कल एक दिन में दो चैप्टर होंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर डिविडेंड पॉलिसी दोनों भी कल होंगे, ठीक है। वो बस कल आप पढ़ के आना अपने को। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में जो भी फॉर्मूला आपने पढ़े होंगे थोड़ा बहुत याद है क्या, NI मॉडल, NOI मॉडल याद है क्या, MM मॉडल, फिर सेम थे डिविडेंड पॉलिसी में गॉर्डन मॉडल, वॉल्टर मॉडल याद है क्या, ये सब थोड़ा पढ़ के आ जाना। पढ़ के अगर ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा समझना, चलेगा। यस, तो आज के लिए अपन यहीं पर रुकते, टाटा बाय बाय, वेलकम। हाँ, ये PDF मैंने क्वेश्चन का भेज सकता, सोल्यूशन नहीं भेज सकता कि सोल्यूशन का क्वेश्चन का चाहिए क्या? हाँ क्वेश्चन का भेजता हूँ, चिंता मत करो, क्वेश्चन को भेजा। क्योंकि सोल्यूशन प्रॉब्लम क्या है, वो उस पर वन नोट लिखा है ना, वो PDF नहीं बनता उसका। चलो ठीक है, बाय बाय, बस कल पढ़ के आना।